तो दोस्तों फाइनली जो है पेन ईयर वाई पोर्टल में बीसी सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आ गया है। आज की इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे आप अपने बीसी सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। दोस्तों मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप पेन ईयर वाई पोर्टल के थ्रू एक्सिस बैंक सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट ओपनिंग का काम करते हैं तो दोस्तों आपके पास जो है बीसी सर्टिफिकेट होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका जो पेन ईयर वाई पोर्टल में एक्सिस बैंक अकाउंट ओपनिंग जो है वो बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये फाइनली जो है पेन ईयर वाई पोर्टल ने इस पे जो है काम करना स्टार्ट कर दिया है, उसने ऑप्शन दे दिया है अपलोड करने के लिए, सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए। तो दोस्तों अभी तक आपने बीसी सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम पास नहीं किया है, आपके पास बीसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए आपके पेन ईयर वाई पोर्टल में एक्सिस बैंक सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट ऑप्शन जो है वो डिसेबल हो जाएगा। और दोस्तों एक बार जो आप ये ऑप्शन जो है वो डिसेबल हो गया तो आप काफी परेशान हो जाएंगे, तब भी ये आपका जो ऑप्शन है वो इनेबल नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पेन ईयर वाई पोर्टल में एक्सिस बैंक सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट के लिए अभी तक उन्होंने अप्लाई किया है, अभी तक उनका अकाउंट ओपनिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। काफी सारे लोग में ये ऑप्शन इनेबल ही नहीं हुआ है कि वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सके। तो अगर आपको ये ऑप्शन मिला है तो आप तुरंत IIBF इंस्टीट्यूट द्वारा बीसी सर्टिफिकेट एग्जाम क्वालिफाई करके पाले। और आज के इस वीडियो में आपको बता देता हूं कि कैसे उस सर्टिफिकेट को आपको इस अपने पोर्टल पर अपलोड करना है और उसे आप अपलोड कर लें। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अपने पेन ईयर वाई पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। दोस्तों लॉगिन करने से पहले एक बार क्या करिएगा, आप अपने प्ले स्टोर में जाके इस पोर्टल को एक बार अपडेट कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है यूनिवर्सिटी का, आप यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आएगा, तो यहाँ पे आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज पे क्लिक कर देंगे। लैंग्वेज पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फीचर्ड कोर्स, यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने कोर्स बना रखा है वो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देना है। दोस्तों जैसा कि हम पोर्टल में बहुत सारे सर्विसेज मिलते हैं और सभी सर्विसेज का हम लाभ नहीं उठा पाते हैं, सभी सर्विसेज को अपने ग्राहकों तक नहीं पहुँचा पाते हैं, तो दोस्तों उसके रिगार्डिंग ये जो है कोर्स बनाया गया है। आप जिस भी सर्विस के बारे में जानना चाहते हैं यहाँ पे आप उस कोर्स पे क्लिक करके और उस सर्विस के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे उनका ये कोर्स बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए है, तो यहाँ पे आप जिसके भी बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जा रहा है अपलोड IIBF सर्टिफिकेट, आपको इस पर क्लिक करना है। अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो 20 MB का होना चाहिए, तो या तो आप अपने किसी स्कैनर से स्कैन कर लीजिएगा, या तो अगर आपके पास मोबाइल में फ़ोटो रिसाइजर है तो आप उसे रिसाइज करके 20 MB तक का आप बना लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे अपलोड ए फाइल का ऑप्शन मिल जा रहा है, आपको इस पर क्लिक करके और आपको अपने सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। दोस्तों सर्टिफिकेट अपलोड हो जाने के बाद से जो भी इंटरनल टीम है वो एक बार इसे वेरीफाई करेगी, और वेरीफाई होने के बाद से जो है आपको टेंशन फ्री हो जाना है, तब आप लाइफ टाइम जो है आप अपने एक्सिस बैंक अकाउंट ओपनिंग का काम जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है इस सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।